अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। वेल ओ लेवल्स, हम लोग बात करते थे करंट की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आई वाज नोटेड बाय क्यू अपॉन टी एंड क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। द यूनिट ऑफ करंट वाज कंसीडर्ड टू बी एम्पेयर्स और कूलम्स पर सेकेंड। बेटा याद रखना, एएस लेवल में दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड व्हेन द करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग बेटा एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू आई एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस बात को समझने के लिए लेट्स डू अ कपल ऑफ बेसिक एग्जांपल्स, कचरा कुछ सवाल करते हैं। अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पीयर्स फ्लोस टू अ सर्किट ऑफ फॉर 8 सेकंड्स, कैलकुलेट द चार्ज। हमने कहा करंट इज इक्वल, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट हमारे पास 200 मिली एम्पीयर्स था, आई पुट 200 ओवर हियर, टाइम वाज 8 सेकंड्स, मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो है चार्ज आ गया। क्योंकि करंट मेरे पास मिली एम्पीयर्स में था, देयरफॉर मैंने चार्ज को भी मिली कूलम्स में ही रखा है। अच्छा, वेल फॉर इंस्टेंस इफ दिस से कि भाई करंट हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 200 मिली एम्पीयर्स टू 1000 मिली एम्पीयर्स इन 12 सेकंड्स। बेटा यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो देयरफॉर मुझे करंट का एवरेज लेना पड़ेगा। अगर मैं करंट का एवरेज लेता हूँ, मैं कहता हूँ Q इज इक्वल्स टू आई एवरेज, देयरफॉर मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, इन केस के वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम वाज 12 सेकंड्स, 1200 डिवाइडेड बाय 6 दैट्स 2 दैट्स 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि बेटा कोई एक बंदा जो है मेरे लिए कर दो 7200 मिली कूलम्स। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड बेटा, हमारे पास जो है देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ये हमारे पास द वोल्टेज इज गिवन, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट वी गिव मूविंग अ यूनिट चार्ज टू एन एक्सटर्नल सर्किट। द वोल्टेज इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन चार्ज, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। हमारे ओ लेवल्स के सिलेबस में बेटा याद रखना, वोल्ट्स जो होते हैं ये दे आर विद इधर वोल्ट्स और दे आर जूल्स पर कूलम्स। ठीक है जी, रिमेंबर दैट। हमारे ओ लेवल्स के सिलेबस में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूलाज पढ़ते थे। इलेक्ट्रिकल पावर वॉज पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा एएस लेवल पे याद रखिएगा, अगर ये फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू वी आई इस्तेमाल होगा तो ये इस्तेमाल होगा जब भी पावर पैदा हो रही होगी, वेदर इट्स बीन जनरेटेड, इट्स बीन डेवलप्ड, प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर आपके पास पूछता है पावर ट्रांसफॉर्म्ड, पावर प्रोड्यूस, डेवलप। तो जब भी ट्रांसफॉर्म, डेवलप, प्रोड्यूस के वर्ड यूज होंगे, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। And where in case where power is equal, power is lost or power is dissipated, तो हम लोग बेटा power is equals to I square R use करते हैं। This formula will be used at that case scenario. ये इसका ज़्यादा utilization नहीं है, power is equals to V square upon R, but remember that, but याद रखिएगा इसकी कोई खास utilization नहीं होती है इस level पर। Similarly बेटा हम लोग electrical energy के बारे में बात करते थे, energy was power multiplied by time. सेम केस सिनेरियोज, अगर पावर प्रोड्यूस, डेवलप, ट्रांसफॉर्म, जनरेट की बात हो रही है तो वी विल यूज ई इज इक्वल्स टू वी आई टी, और बेटा अगर पावर लॉसेज या डेसिपेटेड की बात हो रही है, आई विल यूज आई स्क्वायर आर टी, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये कैसे आया था बेटा, या आप मेरे ओ लेवल्स का कोई लेक्चर अगर देखना चाहे तो यू कैन रिव्यू दैट, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, Now let's start off with a concept that is known as a concept of drift velocity. बेटा याद रखना, जब हमारे पास एक कोई भी potential difference नहीं होता, when there is no potential difference, ठीक है जी, तो हमारे पास इस बात को जहन में रखिएगा कि when there is no potential difference, इस बात को read करते हैं, when no potential difference is applied, electrons move in a conductor moves completely randomly such that the net electron flowing through the conductor is 0 amperes. मतलब जब हमारे पास कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा होता, जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में जा रहा है,
एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वन इज गोइंग देयर देयर देयर, और हमारे पास सब रैंडमली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर जो टोटल करंट होता है, नेट करंट जो होता है, वो हमेशा हमारे पास जीरो एम्पेयर्स आ रहा होता है. पर फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी कंडक्टर को बैटरी से या पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दूं, सो बेसिकली दिस विल क्रिएट द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने में जो है शुरू कर देती है. दिस रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ करंट अगर्स डेफिनेटली. तो जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की जिस पे ये कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, दैट स्पीड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन देयर इज अ करंट इन द कंडक्टर. दिस इज द ड्रिफ्ट, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्पीड है जब वो पावर सप्लाई से कनेक्ट हो गए, दिस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेट्स मूव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बेटा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी में याद रखिएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय एल, द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज ए, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज ई, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय अ स्मॉल, और जिसे कहते हैं स्मॉल वी, एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 meter cube ऑफ अ कंडक्टर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम याद रखिएगा. पेपर में बेटा है बहुत बार ये सवाल पूछता है, शो दैट द करंट आई इन दिस कंडक्टर कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन आई इज इक्वल्स टू एन ए वी ई. तो बेटा हमारे पास याद रखना बेटा, 1 meter cube ऑफ अ कंडक्टर जो है दैट कंटेन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात में हमेशा याद रखिएगा. तो अगर मैं कहता हूँ भाई हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, अगर एक वॉल्यूम में 1 meter cube में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम को 3 कर दूँ तो n 3 हो जाएगा. तो बेटा n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम्स फॉर्मूला, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर. इज दैट क्लियर? अगर मैं कहता हूँ भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज ई, तो हमारे पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कंडक्टर में, तो इसको अगर मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. करंट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन टाइम. तो टोटल चार्ज अभी हम लोगों ने निकाला, दैट वॉज एन ए एल ई, दैट्स द चार्ज एन ए एल ई डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. This is the formula of current. और अगर मैं कहता हूँ कि भाई L upon E, L upon T, distance upon displacement upon time, velocity होती है, therefore मेरे पास ये formula generate होता है बेटा, I is equals to N A V E, where the small v is drift velocity. बेटा याद रखना ये voltage नहीं है, voltage is capital V. स्मॉल वी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए होता है. ठीक हो गया जी बेटा, इस बात को जहन में रखिएगा. मूविंग फॉरवर्ड बेटा, ये अच्छा एक और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, अच्छा जी, एंड बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर. इफ द समथिंग इज अ वेरी गुड कंडक्टर इट हैज हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ समथिंग इज अ बैड कंडक्टर इट हैज वेरी लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. I hope this is clear to all of you. एक example करेंगे आज, बाकी examples will do it in next video. एक example सिर्फ और सिर्फ समझेंगे. The example is, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक electron को मैं एक conducting wire से फेंकता हूँ जिसका diameter at the start is d, और आहिस्ता आहिस्ता the diameter increase to 2d. So what would happen to the drift velocity? अच्छा ये बात हम लोगों को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एरिया, एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. मतलब अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड डिक्रीज. सो इन वेरी इजी वर्ड्स, इफ द डायमीटर ऑफ इज डबल्ड दैट मीन्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं. अगर मैं डायमीटर किसी वायर का डबल करता हूँ या कंडक्टर डायमीटर डबल हो रहा है, तो
एरिया फैक्टर ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि दैट्स डी स्क्वेयर्ड, तो जिसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चार गुना का हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में सेम रहते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। करंट बेटा ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम रहता है, दिस इज सीरीज, द करंट रिमेन सेम एज वेल। तो जब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी फैक्टर ऑफ फोर्स से डिक्रीज हो रही है, फॉर इंस्टेंस इफ आई से कि मेरे पास स्टार्ट में द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वॉज वी, तो बेटा हमारे पास जब वो चार के फैक्टर से डिक्रीज हुई तो बेटा वाई तक पहुँचते पहुँचते, एक्स से वाई तक पहुँचते पहुँचते द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी 0.25 V, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। खैर मेरे ख्याल से हम आप बात को यहीं तक रखते हैं, इट्स वेरी लेट।